हेलो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बसंत पंचमी स्पेशल येलो कलर के राइस देखिए इसके लिए हमने चावल को एक घंटा पहले भिगो लिया है और उसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है अब हम इसके लिए लेंगे दूध एक कप और फिर हमने चीनी ली है वो भी हमने एक कप ली है क्योंकि चावल हमने दो कप लिए हैं अब हम लेंगे फूड कलर ये हमारा ऑरेंज कलर है जिसे हमने पानी में मिक्स कर लिया है ये है किशमिश आमंड्स कैसक्यूब और ये थोड़ा सा इलायची पाउडर और हमने लिए हैं थोड़े से देखिए सूखा नारियल है ये जिसे हमने पतला पतला काट लिया है अब हमने एक कढ़ाई में पानी को रख दिया है उबलने के लिए ने खुला पानी लिया है और उसमें हमने फूड कलर डाल दिया है अब हम अपने चावल को उसमें ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर ढक्कन लगाकर हम इसे पाँच मिनट के लिए कुक करेंगे हमें सेवेंटी टू एट्टी परसेंट राइस को कुक कर लेना है ये देखिए हमारे राइस कुक हो चुके हैं अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और किसी बर्तन के ऊपर उसे रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी नीचे निकल जाए और राइस हमारे स्ट्रेनर में रह जाए ये देखिए इस तरीके से अब हमने उसी कढ़ाई में घी लिया है और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम उसमें डालकर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे लेकिन हम किसमिस को अभी नहीं डालेंगे जब सारे ड्राई फ्रूट्स गोल्डन हो जाए तब किसमिस उसमें ऐड करेंगे ये देखिए हमने बाकी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट होने के बाद किशमिश ऐड की है और जैसे ही किशमिश फूलने लग जाए हम उन्हें निकाल लेंगे देखिए हमारी किसमिस भी फुल कर तैयार हो गई हमने आधे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं और बाकी के हम कढ़ाई में छोड़ेंगे और चावल ऐड करेंगे ये देखिए हमने राइस को ऐड कर दिया और मिक्स भी कर लिया है अब हम उसमें ऐड करेंगे हमारा मिल्क ये देखिए हमने ऐड किया है और इलायची पाउडर भी मिक्स करके हम इन्हें एक से दो मिनट के लिए पकाएंगे ढक्कन लगाकर ताकि ये थोड़ा सा दूध सोख ले ये देखिए दो मिनट के बाद देखिए हमारे राइस इन्होंने दूध सोख लिया है अब हम डालेंगे इसमें चीनी इन्हें मीठा करने के लिए क्योंकि मीठे ही तो खाते हैं येलो कलर वाले राइस अब हमने इनमें ऐड की है चीनी और मिक्स करके ढक्कन लगाकर फिर एक से दो मिनट के लिए हम पकाएंगे और देखिए दो मिनट के बाद हमारी चीनी मिक्स हो चुकी है अब हम इन्हें सर्व करेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हमने निकाले थे उनके साथ तो बताइएगा गाइज बसंत पंचमी स्पेशल ऑरेंज येलो राइस आपको कैसे लगे अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा